उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान है। संसद भवन में सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और शाम 5 बजे तक ये चलेगी और आज शाम को ही नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की तरफ पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ और यूपीए उम्मीदवार मार्गरेट अलवा मैदान में है, यानी कि इनके बीच टक्कर है। खास बात यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने चुनाव में गैर हाजिर रहने का फैसला लिया है। जी हां, यह बड़ी बात है। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में, प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात और कई कार्यक्रमों में शिरकत भी। लेकिन दो तस्वीरें देखिए अभी, जगदीप धनखड़ वर्सेस मार्गरेट अलवा, यानी कि एनडीए वर्सेस यूपीए, और सीधी टक्कर है। लेकिन किस तरह से स्थिति और परिस्थिति बन रही है, पूरी एक स्पेशल रिपोर्ट आप सभी तक हम साझा करने जा रहे हैं। नजर डालें आप। आज देश को मिल जाएगा नया उपराष्ट्रपति। आज ही तय हो जाएगा कि देश के दूसरे सबसे बड़े पद पर कौन बैठेगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव है। एनडीए यानी कि बीजेपी की तरफ से जगदीप धनखड़ और यूपीए यानी कि कांग्रेस या फिर यूं कह लीजिए कि विपक्ष की ओर से मार्गरेट अलवा चुनाव मैदान में है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है, वोट कौन डालता है, कार्यकाल कितने दिनों का होता है, मार्गरेट अलवा और जगदीप धनखड़ की टक्कर कितनी कड़क है, सब कुछ विस्तार से समझिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष वोटिंग से होता है। लोकसभा के चुने हुए सांसद और राज्यसभा के सभी सांसद इसमें वोट डालते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उपराष्ट्रपति चुनाव करवाते हैं। बात दोनों उम्मीदवारों की करें तो जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू से आते हैं। धनखड़ 33 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। 1989 में पहली बार झुंझुनू से लोकसभा सांसद चुने गए। चंद्रशेखर सरकार में केंद्र में मंत्री रहे। 1993 में राजस्थान के किशनगढ़ से विधानसभा चुनाव जीता। जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने। उपराष्ट्रपति उम्मीदवारी से पहले जगदीप धनखड़ बंगाल के राज्यपाल थे। ममता बनर्जी से अनबन की वजह से वो चर्चा में रहते थे। बात कांग्रेसी उम्मीदवार मार्गरेट अलवा की करें तो वो कर्नाटक से आती हैं। उनके पास 48 साल का राजनीतिक अनुभव है। 1974 में पहली बार अलवा राज्यसभा पहुंचे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री रहीं। 1999 से 2004 तक लोकसभा सांसद रहीं। उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात और गोवा की राज्यपाल रहीं। अब बात दोनों उम्मीदवारों के बीच टक्कर की करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 780 वोटर हैं, 543 लोकसभा और 237 राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर एनडीए के पास 530 वोट हैं, यूपीए के पास सिर्फ 206 वोट हैं। टीएमसी के 36 सांसद वोटिंग में शामिल नहीं। कांग्रेस ने जब मार्गरेट अलवा के नाम की घोषणा की थी तो तभी ममता बनर्जी नाराज थी और अब उनके 36 सांसद वोटिंग से अलग हो गए हैं और 23 लोकसभा से और 13 राज्यसभा से। विपक्ष पहले ही बिखरा हुआ है। हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव को ही ट्रेंड मान लें तो अगर क्रॉस वोटिंग भी हुई तो वो धनखड़ के पक्ष में जाएगी, ना कि मार्गरेट अलवा। आज तक